एनसीईआरटी कक्षा 8 चैप्टर 4 विपिन चौधरी लैप्स मेमोरी, ये जो पार्ट है उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है इसका, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबूज इज डिसबिलीफ। इसका आंसर है द मैन परिमल घोष वॉज टेकन अबैक व्हेन विपिन फेल्ड टू रिकॉग्नाइज हिम। He did not believe that Bipin had a lapse of memory. Important person है ये। Question number 2 है, Where did Bipin Babu say he went in October 58? इसका आंसर है Bipin Babu said that in October 58 he was in Kanpur. ये भी important है। Question number 3, Mention any three or more things that Parimal Ghosh knew about Bipin Babu. Parimal Ghosh knew that Bipin Babu's wife was dead and his only brother had died in the same year in a Ranchi lunatic asylum. He also knew that Bipin Babu had no children and he was a lover of books. Pustakon se usko jyada sneha tha. इसके बाद में कंप्रिहेंशन चेक में आगे है, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड। आंसर है बिपिन बाबू वाज टेकन अबैक टू हियर द इंटीमेट डिटेल्स अबाउट हिज लाइफ फ्रॉम परिमल घोष। देयर सी डेड नो रीजन व्हाई ही शुड टेल ए लाई। ही वंडर्ड इफ ही रियली हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज विजिट टू रांची। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, इज मेमोरी और परिमल घोष। इन ऑर्डर टू रीसॉल्व दैट पजल अबाउट हिज विजिट टू रंसी, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी। परिमल हैड सेड दैट मुखर्जी वाज आल्सो इन रंसी एट द टाइम। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, व्हाई Did he finally decide to phone him? Bipin Babu hesitated to visit Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. Hence, Bipin Babu finally decided to phone him. उसको बिपिन बाबू को लगा था कि भी अगर वास्तव में मैं रांची गया था और मैं भूल गया तो उसकी थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा उसको, इसलिए उसने कहा कि मिलने से पहले फ़ोन कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज। मुखर्जी डिड नॉट रिप्लाई क्लियरली बट ही सेड दैट ही हैड बीन टू रांची ट्वाइस, ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द ट्रिप। बिपिन बाबू एग्जैक्टली वॉन्टेड टू नो, इट मेड बिपिन बाबू मोर पजल्ड, ही लॉस्ट हिज एप्टीट्यूड। आगे है क्वेश्चन नंबर 1, आगे कंप्रिहेंशन अगले वाले में, हु वाज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। चुन्नीलाल वाज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, ही वांटेड ए फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। अगला है, व्हाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। प्रकाश चंद वाज ए यंग फिजिशियन, ही हैड नेवर डेल्ट ए केस ऑफ मेमोरी लॉस, सो ही वाज पजल्ड, ही गेव ए सजेशन टू बिपिन बाबू टू विजिट रांची अगैन। इसके बाद में देखिए आप, अगला है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप ऑफ रांची। इसका आंसर है प्रैप्स नॉट, He finally recollected his memory and admitted that he had visited Ranchi in 1958. Our second question is, why do you think Chunilal did what he did? Chunilal says he no money. What is it that he does have? Chunilal wanted some money from Bipin Babu, his old friend. So he went to him for help. He assured Bipin that the term of his fortune
वुड बी बैक अगैन. चुनीलाल हैड नो मनी बट ही हैड माइंड एंड विट. और अगला है वर्किंग विद द टेक्स्ट. द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन. वट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस. एकदम अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है. फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है. द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन. वट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी ऑफ सपोर्ट दिस. लेखक कहता है कि ये बिपिन बाबू कठिन मेहनत करने वाला था, तो इस कहानी में आपको कौन कौन सी बातें लगती है जो ये बताती है कि वो मेहनती थे, ठीक है. आंसर है बिपिन बाबू वाज ए सीरियस ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो. ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली. ही वाज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब. ही वाज नॉट ए गुड मिक्सचर. बींग सीरियस माइंडेड ही डिड नॉट वेस्ट टाइम इन आइडियल चैट. दूसरा है व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुनीलाल. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग. आंसर है बिपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज टू मीट चुनीलाल. ही वाज इन नो मूड टू हेल्प चुनीलाल आउट ऑफ हिज ट्रबल. बट ही चेंज्ड हिज माइंड सून. ही थॉट चुनीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची इन 1958. थर्ड क्वेश्चन है बिपिन बाबू लॉस्ट कंसेशनियस एट हुंड्रू फॉल्स. व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस. बिपिन बाबू माइट हैव स्लिप नियर हुंड्रू फॉल्स दैट मेड हिम अनकॉन्शियस. क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम. आंसर है बिपिन बाबूज फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट ही रिग्रेटेड हैविंग रिफ्यूज्ड टू हेल्प चुनीलाल हिसार थ्रू चुनीलाल स्ट्रिक टू रेस्ट टू टेस्ट हिम एंड लर्न ए लेसन. अब लैंग्वेज के बारे में जो क्वेश्चन है वर्किंग विद लैंग्वेज. लुक एट दिस टू सेंटेंस. पहला है ही हैड टू बाई एट लिस्ट 5 बुक्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. दूसरा है बिपिन हैड टू आस्क चुन्नी टू लीव. अ फिल इन द ब्लैंक्स बिलो यूजिंग हैड टू हैव टू हैज टू. हैड टू हैव टू हैज टू इनमें से भरना है अपने को. पहला है आई, फिर ब्लैंक है कट माई हेयर एवरी मंथ, तो आएगा आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ. दूसरा है वी, फिर ब्लैंक है गो फॉर स्विमिंग lessons लास्ट ईयर. वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग lesson लास्ट ईयर आएगा. फिर तीसरा है सी, ब्लैंक है टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ. सी हैड टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ. अगला है दे हैड टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर, तो यहाँ हैड टू आएगा. अगला है वी हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइस. रोमित हैज टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर द कुड कम आउट ऑफ टू प्ले. आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे. तो ये था प्रयोग हैव हैड और हैज का. फाइंड आउट व्हाट द फॉलोइंग आइडियम्स मीन. ये भी इम्पोर्टेंट है, जब इम्पोर्टेंट आ रहा है तो ध्यान इधर ही रखो. पहला है एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. इसका मतलब है कि ये जो लिखा पड़ा है ना, इसको हम दूसरे शब्दों में उसको क्या कह सकते हैं, इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है. एट ऑब्लिक फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, इसका आएगा वेरी नियर. इंपॉर्टेंट है, आप समझिए. ब्रेक इनटू ए स्माइल. ब्रेक इनटू ए स्माइल इसमें लिखोगे स्माइल सडनली. हैव ए क्लीन रिकॉर्ड. हैव नो रिकॉर्ड ऑफेंस और क्राइम्स. बीट अबाउट द बुश नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब इसमें स्टडी द सेंटेंस इन द कॉलम्स बिलो ए बी. अभी ए बी में सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है और उसके बाद में कुछ आंसर इसमें से देने हैं.
ए में है आई सा दिस मूवी यस्टरडे, बी में आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, ए है बिपिन बाबू वर्कड हियर फॉर लास्ट ईयर, बिपिन बाबू हैज़ वर्कड हियर सिंस 2003, चुनीलाल रोट ए पब्लिशर लास्ट वीक, चुनीलाल वॉज रिटर्न टू ए पब्लिशर, आई विजिटेड रांची वंस लॉन्ग एगो, आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर। अब पूछा क्या है, कंपेयर द सेंटेंस इन टू कॉलम्स, एस्पेक्टली द वर्ब फॉर्म्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। पहला है विच कॉलम टेल्स दैट बिपिन बाबू इज स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस, तो सेंटेंस बता रहा है बिपिन बाबू हैज़ वर्कड हियर सिंस 2003। आंसर पूछ रहे हैं इसमें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें से जो ए और बी में कौन से दिए हुए हैं वो आएंगे आपको, वो बताने हैं इसमें। आंसर पहले से ही है, केवल छांटना है। और दूसरा है विच कॉलम सजेस्ट दैट द पर्सन स्टिल रिमेंबर द मूवी ही सा, जो चुनीलाल हैज़ रिटर्न टू ए पब्लिशर। और विच कॉलम सजेस्ट दैट द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटेड रांची इज स्टिल फ्रेश इन द स्पीकर्स माइंड, आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, ये कॉलम बी का आएगा। और विच कॉलम सजेस्ट दैट द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग रांची इज स्टिल फ्रेश इन द स्पीकर्स माइंड, आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर, कॉलम बी का है। अब रीअरेंज द सेंटेंस, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इन ईच सेंटेंस टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, अंडरलाइन द आइडियम्स इन द इन इट एंड राइट डाउन इट्स मीनिंग, स्टॉप एंड टेल मी बीटिंग अबाउट व्हाट यू वांट द बुस, यानी सेंटेंस में आगे पीछे वर्ड है उनको ऐसे ठीक करना है कि एक सही सेंटेंस बन जाए वो, तो इसका बनेगा स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुस एंड टेल मी व्हाट यू वांट, बीटिंग अबाउट द बुस इज इक्वल टू नॉट टू से समथिंग एग्जैक्टली। दूसरा है डोंट पे इफ यू अटेंशन यू माइट द रॉन्ग ट्रेन टू द अनाउंसमेंट बोर्ड, इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड ए रॉन्ग ट्रेन, पे अटेंशन इज इक्वल टू लिसन केयरफुली, थोड़ा ही बचा है। द विलेजर्स टायर्ड द क्राइम एज द यंग वूमेन टू पिन, आंसर इसका देंगे द विलेजर्स टायर्ड टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वूमेन, टू पिन द क्राइम इज इक्वल टू एक्सक्यूज समवन फॉर द क्राइम। और बिपिन बाबू ऑर्डर टू टेलिंग पीपल अंडर लव्ड डॉक्टर्स ईट ईयरली दैट ही वाज, तो इसका बनेगा बिपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल दैट ही वाज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर टू ईट ईयरली, अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर का मतलब है अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ सम, यानी डॉक्टर के दिशा निर्देश में काम करने वाला। द स्टूडेंट्स द टीचर हिज आईब्रोज वैन सेड दैट ऑल देयर लेसन्स रेस्ड दे हैड रिवाइज्ड, इसका हम आंसर देंगे द टीचर रेस्ड हिज आईब्रोज वैन द स्टूडेंट्स सेड दैट दे हैड रिवाइज्ड ऑल देयर लेसन, रेस्ड हिज आईब्रो, ये इसको ऊपर करते हैं ना आईब्रो, ये टू इसका मतलब है रेस्ड हिज आईब्रो इज इक्वल टू लुक एट समवन इन सरप्राइज और इन एंगर, या तो आश्चर्य के साथ में या गुस्से में वो करते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, इमेजिन यू आर बिपिन चौधरी, यू हैव रिसीव्ड चुनीलाल्स लेटर एंड फील असेम्ड दैट यू डिड नॉट बॉदर टू हेल्प एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, नाउ यू वांट टू समथिंग फॉर हिम, राइट ए लेटर टू चुनीलाल प्रोमिसिंग टू हेल्प हिम शोन। 15 और चर्गी लेन कैलकाटा सितंबर 21, 2016, तो ये डियर चुनीलाल इस प्रकार से ये इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा ए प्रैंक इज ए चाइल्डिस्टिक, डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट व्हेन समवन प्लेड ए प्रैंक ऑन योर यू और योर फ्रेंड्स, डिस्क्राइब द प्रैंक इन ए पैराग्राफ, तो ये इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपका जो बिपिन बाबू का चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर, जो जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट विशेष रूप से बताएं उनको विशेष रूप से उस पर ध्यान देना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।